हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए, जेंट्स स्वेटर के लिए मैं एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में या कार्डिगन जैकेट में भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 12 मल्टीपल के फंदे चाहिए। 12 मल्टीपल करने के बाद 6 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और ये 14 सिलाई का डिज़ाइन है, 14 सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी है इनमें। और ये हमारे डिजाइन की सीधी साइड है, सीधी साइड इस तरह से नज़र आती है। और ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड इस तरह से नज़र आती है। ये देखिए, इसी तरह से नए नए डिजाइन देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक जरूर करें, उससे आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये देखिए, ये 12 फंदों का डिजाइन है। ये यहाँ से यहाँ तक 12 फंदे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 12 फंदे, फिर यहाँ से यहाँ तक, और 6 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। ये 12 12 फंदों का डिजाइन है, 6 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। अब हम इसे बनाना स्टार्ट। इसे बनाने के लिए मैंने इसमें 30 फंदे लिए हैं। 12 मल्टीपल करने के बाद 6 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। हमारी सीधी साइड है, हमने 2 सिलाई उल्टे उल्टे की बना ली है। फर्स्ट रो है सीधी साइड, बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब पहला फंदा हम उतार भी सकते हैं और बुन भी सकते हैं। पहला फंदा उतारेंगे और 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 6 फंदे उल्टे उन पीछे, 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये 12 फंदों का एक पैटर्न हो गया, 6 फंदे उल्टे 6 फंदे सीधे। इसी तरह से ये 12 फंदे हमें रिपीट करते रहना है। ऊन आ गए 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, ऊन पीछे 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6, ऊन आ गए, आखिर में 6 फंदे बचे हैं, इनको उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट रो हमारी पूरी हो गई। सेकंड रो है रॉन्ग साइड, इस पर जो फंदा हमें जैसा नज़र आएगा उसको ऐसा बनाएंगे, यानी कि हमने सीधी साइड पे 6 फंदे उल्टे बनाए हैं, उल्टी साइड से सीधे बनाएंगे। ये 6 फंदे सीधे बनाए हैं, उल्टी साइड से इनको उल्टा बनाएंगे इस तरह से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड, 3 6 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे, ऊन आगे करेंगे 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए एक पैटर्न हो गया है, 12 12 फंदों का 6 फंदे सीधे 6 फंदे उल्टे। फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करते रहेंगे पूरी रो में। हम जो कुछ भी मतलब जेंट्स स्वेटर या बच्चों का स्वेटर बनाते हैं तो इन फंदों का इसी तरह से रिपीट करेंगे। 2 4 6, ऊन आ गए 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6, ऊन पीछे 6 फंदे बचे हैं, 6 फंदे सीधे आके के। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी फर्स्ट रो पूरी हो गई, सेकंड रो पूरी हो गई। तीसरी सिलाई है रॉन्ग साइड, इसको हम फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे, पहला फंदा हमने स्लिप किया है, उसके बाद 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे उन पीछे 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6, ये 12 फंदे इसी तरह से पूरी रो में रिपीट करने हैं। ऊन आ गए 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, ऊन पीछे 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6, ऊन आ गए आखिर के 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6, ये तीसरी सिलाई भी पूरी हो गई। फोर्थ रो है रॉन्ग साइड, इसको भी हम सीधे फंदों पर सीधा और उल्टे फंदों पर उल्टा बुनकर
सिलाई को पूरी करेंगे। 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, ऊन आ गए। 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से हमें रिपीट करते रहना। आखिर में 4 6 फंदे सीधे बना। 5वीं सिलाई है सीधी साइड, इसे भी फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, ऊन पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से सिलाई को पूरी करेंगे। आखिर में 6 फंदे उल्टे आते हैं। 6वीं सिलाई है रॉन्ग साइड, इस सिलाई को भी हम सीधे फंदों पर सीधा और उल्टे फंदों पर उल्टा बुनकर सिलाई को, ये देखिए ये 6 सिलाई हो गई है और ये 6 लाइन बनकर आ गई है। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनों के बाद और 6 सिलाई पूरी होने के बाद अब हम यहाँ पर 7वीं सिलाई शुरू होने वाली है। 7वीं सिलाई पर डिजाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ध्यान से। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन पीछे शुरू के, ये जो फंदे हमने उल्टे बनाए थे ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए शुरू के पहला फंदा हमने स्लिप किया है, 5 फंदे सीधे बनाए हैं या 6 फंदे सीधे बनाए हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। और ये बीच में 6 फंदे हैं सीधे, 3 फंदों का इधर ट्विस्ट करेंगे, 3 फंदों पर हम ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 शुरू के 2 फंदे छोड़ने के बाद तीसरा फंदा हम आगे लेकर आएंगे यहाँ पर, और ये 2 फंदे पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से। ये 2 फंदे पीछे रखेंगे, पीछे का फंदा आगे रखेंगे, 3 फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 3, अब ये 3 फंदे बचे हैं सीधे, ये पीछे का फंदा यहाँ पर लाएंगे, आगे का फंदा पीछे लेकर जाएंगे, और ये 2 फंदे पीछे की साइड से आगे लेकर आएंगे इस तरह से बैक लूप से। यहाँ से ये 2 फंदे सिलाई पर लेकर इस फंदे को उतारेंगे, इसे पीछे रखेंगे और इन 2 फंदों को आगे डालेंगे इस तरह से, और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3, ये देखिए ये 12 फंदों का एक पैटर्न हो गया है। 6 फंदे हमने सीधे बनाए हैं और 3 फंदों पर ट्विस्ट किया है पहला, फिर 3 फंदों पर ट्विस्ट किया है इस तरह से। अब ये हमें इसी तरह से 12 फंदे पे हमें डिजाइन बनाना, फिर से हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे, ये 6 फंदे सीधे बीच में है, 3 फंदे ये और 3 फंदे ये। 1 2, ये आगे के 2 फंदे छोड़कर पीछे का फंदा यहाँ आगे लेकर आएंगे, आगे के 2 फंदे पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से, ऊपर से इस फंदे को आगे लेकर आएंगे इस तरह से, उतार के इन फंदों को पीछे रखेंगे, इस फंदे को आगे रखेंगे और 3ों फंदे सीधे बनाएंगे। बहुत ही आसान है बनाने में। 1 2 3, एक बार शुरू होने के बाद फिर बहुत ही आसानी से बनने लगता है ये। अब ये पीछे से आगे के फंदे पीछे लेकर जाएंगे, पीछे के 2 फंदे आगे लेकर जाएंगे, बैक लूप से पीछे के 2 फंदे आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को पीछे रखेंगे ऊपर की साइड से, बैक लूप से पीछे के 2 फंदे आगे रखेंगे इस तरह से, 3ों फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, आखिर में 6 फंदे हैं, 6 फंदे आखिर के सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 7वीं सिलाई पूरी हो गई। 8वीं सिलाई है रॉन्ग साइड, ये पूरी उल्टी बनेगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनकर सिलाई को पूरी करेंगे।
ये सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे हम। इस तरह से सिलाई पूरी करेंगे। ये नौवीं सिलाई है सीधी साइड। सातवीं सिलाई पर हमने शुरू में 6 फंदे सीधे बनाए थे, अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच फंदे सीधे लिए हैं। एक, दो, ये शुरू के दो फंदे छोड़कर तीसरा फंदा यहाँ आगे लेकर आएंगे, आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे। इस तरह से फंदों को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तीनों फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, बीच में दो फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, अब ये एक, दो, तीन, तीन फंदे हैं। ये यहाँ का फंदा यहाँ पीछे लेकर आएंगे और पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे बैक लूप से। इस फंदे को हम पीछे रखेंगे ऊपर की साइड से और बैक लूप से दो फंदे आगे लेकर आएंगे, तीनों फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, बीच में जो 6 फंदे सीधे थे वो एक फंदा इसमें चला गया है, एक फंदा इधर की साइड जाएगा। ये बीच में 4 फंदे बचते हैं, 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा ये। और अब 4 फंदे सीधे, अब ये एक, दो, तीन, इन तीन फंदों को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, पीछे का एक फंदा आगे लेकर आएंगे, आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे। ऊपर की साइड से इस फंदे को आगे लेकर आएंगे और ये पीछे लेकर जाएंगे दो फंदे। इस तरह से इन्हें पीछे रखेंगे दो फंदों को, इस एक फंदे को आगे रखेंगे और तीनों फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो और ये तीन, बीच के दो फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, अब फिर से एक, दो, तीन, ये फंदा आगे, ये पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, पीछे के दो फंदे आगे लेकर जाएंगे बैक लूप से, पीछे के दो फंदे आगे लाएंगे। इस तरह से एक फंदा पीछे जाएगा, पीछे के दो फंदे आगे आएंगे, तीनों फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, आखिर में 5 फंदे बचे हैं, पांचों सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। इस तरह से नौवीं सिलाई पूरी हो गई। दसवीं सिलाई है रॉन्ग साइड, इसको हम पूरी उल्टी बनाएंगे, उल्टी उल्टी बनाकर पूरी करते हैं। दसवीं सिलाई पूरी हो गई है, सीधी साइड है ग्यारहवीं सिलाई। अब हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, एक फंदा ये है, एक, उसके बाद एक, दो, तीन, 4 फंदे सीधे यहाँ से, एक, दो, तीन, इन तीन फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये पीछे का तीसरा फंदा आगे लेकर आएंगे और आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे। इस तरह से इसे आगे रखेंगे और तीनों फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो और ये तीन, बीच के 4 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, अब फिर से तीन फंदों को ट्विस्ट करेंगे। एक, दो, तीन, ये पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे बैक लूप से, पीछे से दो फंदे आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को हम पीछे रखेंगे, पीछे के दो फंदे आगे और तीनों फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो और ये तीन, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक डिजाइन बनकर आ गया है। अब फिर अब बीच में हम दो फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, दो फंदे सीधे, अब फिर से एक, दो, तीन, तीन फंदों को ट्विस्ट करेंगे हम, तीसरा फंदा आगे लेकर आएंगे, आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे। तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, बीच के 4 फंदे सीधे बनेंगे। एक,
2 3 4। अब फिर से 1 2 3, ये तीन फंदे हैं, तीन फंदों का ट्विस्ट करेंगे। ये पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे और पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे बैक लूप से। इस फंदे को पीछे रखेंगे, पीछे के दो फंदे आगे रखेंगे, ठीक है। इस तरह से तीनों फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 और ये 3। आखिर में 4 फंदे बचे हैं, चारों फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हमारी 11वीं सिलाई पूरी हो गई। 12वीं सिलाई है रॉन्ग साइड, इसको पूरी को हम उल्टी उल्टी बुनकर सिलाई पूरी करेंगे। अब ये 12 सिलाई पूरी हो गई, ये देखिए, और ये डिजाइन भी बन के आ रहा है। अब ये 13वीं सिलाई है सीधी साइड। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, 1 2। अब ये 1 2 3, तीन फंदों का ट्विस्ट करेंगे, पीछे का एक फंदा आगे लेकर आएंगे, आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे, इस तरह से। ये आगे का पीछे का फंदा आगे ले आते हैं और तीनों फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। बीच के 6 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से तीन फंदों का ट्विस्ट करेंगे हम, 1 2 3, ये आगे का फंदा पीछे लेकर जाएंगे, पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे बैक लूप से। इसको पीछे रखेंगे, पीछे के दो फंदे आगे रखेंगे बैक लूप से और तीनों फंदे सीधे बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिजाइन हो गया है। अब यहाँ पर बीच में सीधे फंदे नहीं है, ये एक फंदा है। अब इनको हम ट्विस्ट करेंगे, 1 2 3, तीन फंदों का ट्विस्ट करेंगे, 1 2 3, और ये पीछे का तीसरा फंदा आगे लेकर आएंगे, आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे। एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, बीच के 6 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 2 3, तीन फंदों का ट्विस्ट करेंगे, ये आगे का पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे बैक लूप से, और तीनों फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। ये दो डिजाइन हो गए हमारे यहाँ पूरे। अब ये आखिर में तीन फंदे बचते हैं, तीनों को हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3। ये 13वीं सिलाई पूरी हो गई। अब ये 14वीं सिलाई है रॉन्ग साइड, इसको हम पूरी उल्टी बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर हम सिलाई को पूरी करेंगे, इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। ये देखिए, 14 सिलाई पूरी हो गई और ये हमारा डिजाइन भी बनकर आ गया है इस तरह से। 14 सिलाई पूरी होने पर फिर से हम फर्स्ट रो से 14 रो तक रिपीट करेंगे। फिर से हम एक बार आपको एक सिलाई बनाकर दिखाते हैं रिपीट कर। शुरू के हमने 6 फंदे उल्टे बनाए थे, 1 2 3 4 5 6, उन पीछे 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, इस तरह से फिर से हमें स्टार्ट कर देना है। ये 12 फंदों का एक पैटर्न हो गया है। अब फिर से 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, उन पीछे 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, उन आ गए आखिर के 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, इस तरह से 12 फंदों का डिजाइन
हमें रिपीट करना है। शुरू में 6 फंदे उल्टे रखने हैं और आखिर में भी 6 फंदे उल्टे रखने हैं। इस हिसाब से हमें फंदे रखने होते हैं। ये देखिए, इस तरह के नए नए डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक ज़रूर करें जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ।